بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته English class second year में आज हम unit 12 all the words a stage का exercise पढ़ेंगे about the poet से शुरू करते हैं William Shakespeare ने ये नज़म लिखी है all the words a stage William Shakespeare एक English poet था English शायर था playwright था actor था वो 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था ग्रेटेस्ट राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में माना जाता है शेक्सपियर को और वो प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट भी था वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट इंग्लैंड नेशनल पोएट भी था और उसका निक नेम था बॉर्ड ऑफ एवन 38 प्लेज लिखी है 154 सनेट्स टू लॉन्ग नरेटिव पोएम्स और कुछ चंद वर्सेस लिखे हैं 1613 में एट द एज ऑफ 49 ही रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डेड 3 इयर्स लेटर 23 अप्रैल 1616 को एज ऑफ 52 52 साल की उम्र में वफात हुआ था लूजरी वर्ल्ड मीनिंग अ वर्ल्ड टू वाइड मच टू बिग एक बहुत वसी है दुनिया एज इज उम्र हियर यहाँ पर पीरियड्स पीरियड्स मुद्दत ऑफ टाइम वक्त की बैलेट साका को कहते अ स्लो आहिस्ता लाफ सॉन्ग मोहब्बत की गीत Even in the cannon's mouth, यहाँ तक कि तोप के मुँह में A cannon was a large gun. Cannon एक लार्ज बड़ा गन होता है in its mouth और उसकी मुँह was होता था at the front आगे So the man seeks his reputation. तो man आदमी seeks तलाश करता है his reputation अपनी साख Even यहाँ तक कि if it means इसका मतलब वो standing in front of guns गन के सामने खड़ा होने से भी Going to war or getting in fights मतलब इंसान अपना रिपूटेशन हासिल करने के कुछ भी कर सकता है Eventful पुर आज वाक़ात फुल ऑफ एक्टिविटी कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इवेंट जिसमें बहुत सारे वाक़ात हों फर्नेस बट्टी को थे एन ऑब्जेक्ट एक चीज़ विच कंटेन जो मुश्तमिल हुआ फायर आग पर यूज फॉर हीटिंग जो गरमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है गुड कैप ऑन लैंड गुड अच्छी को कहते हैं कैप ऑन मुर्गी को कहते हैं लैंड जिसमें टू लाइन मीन टू फेल समथिंग किसी चीज़ को भरना एट द एजेस किनारों से लाइन अटेंड फॉर के बेकिंग अ केक एंड केपन वॉज चिकन टू ईट और केपन क्या था चिकन मुर्गा था ईट खाने के लिए सो द मैन वॉज आदमी था फैट चर्बी वाला फ्राम ईटिंग गुड चिकन अच्छा अच्छी मुर्गी खाने की वजह से हिस्ट्री तारीख के हियर अ काइंड ऑफ प्ले एक किस्म की प्ले होती है दैट टॉक्स अबाउट जो कि बात करते हैं इवेंट्स वाक़ात के बारे इन द पास्ट माजी में होज लंबी जुराबों को होज कहते हैं टाइट्स टेन ट्राउजर डेट मैन वोर इन शेक्सपियर टाइम इंस्टेंसेस मिसाली एग्जांपल इज इन फॉर इंस्टेंस जीलस जीलस इन हरन ऑनर इज्जत का हासिल हियर जीलस मींस डेट समवन टेक्स केयर ऑफ समथिंग कि कोई शख्स ख्याल रखता है किसी चीज़ का वेरी केयरफुली बहुत एहतियात सो द यंग मैन नौजवान आदमी टेक ग्रेट केयर अच्छा ख्याल रखता है अपने ऑनर अपनी इज्जत का His reputation is a good man. अपनी reputation का good army के तौर पर justice इंसाफ here a judge or magistrate. So someone very respected. वो शायद जो बहुत ज़्यादा respected हो इज्जत वाला हो तो इसको justice कहते हैं इंसाफ कहते हैं Lean and slipper pantaloon. दुबली पतली और चप्पल वाला pantaloon. Pantaloon आदमी here lean means thin. Thin means दुबला पतला और असले पर एज वर्ड पीपल वियर इंडोर स्लीपर वो चप्पल होते हैं जो लोग इंडोर अंदर पहनते हैं पेंटालून मीन एन ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी सो दिस डिस्क्राइब्स अ थिन दुबला पतला मैन आदमी हो स्टेज जो रहता है इनसाइड अंदर मेनली मर्दाना इफ समवन इज मेनली अगर कोई मर्दाना होता है दे हैव कैरेक्टर्स उसमें खसूसियात पीपल क्योंकि ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर एडमायर एंड मैन जो कि आदमियों में तारीफ की जाती है उसके बींग स्ट्रॉन्ग मजबूत होना इन ब्रेव बहादुर होना मियर महज हियर एब्सोल्यूट और कंप्लीट मुकम्मल तौर पर ओल्ड फैशन यूज़ है मियरली बस सिर्फ जस्ट ओनली मीनिंग ओ करना अ स्मॉल स्मॉल छोटा वीक कमज़ोर नाइस शोर डेट अ कैट मेक्स जो कि बिल्ली करता है इन मॉडर्न इंग्लिश टू म्यू म्यूनिंग बिल्ली की आवाज़ को म्यूनिंग कहते हैं मिस्ट्रेस मालकिन मिस्ट्रेस मीन्स फीमेल लावर फीमेल माला लावर मोहब्बत करने वाले बैठ इन सुनिए वोमेन इन चार्ज वोमेन इन चार्ज जो कि मालकिन होती है ओथ्स कस्म प्रामिस वादे अब्लीवियन फरामोशी इफ समवन इज अब्लीवियस अगर कोई शख्स अब्लीवियस होता है दे डोंट नो वो नहीं जानता व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है अराउंड देम उसके इर्द गिर्द
यानी अपने आप से बेखबर होता है। एंड इफ दे लिव इन अब्लिवियन, और अगर वो अब्लिवियन में रहता है, दे आर कम्प्लीटली फॉरगॉटन बाय अदर पीपल, और वो दूसरे लोगों को मुकम्मल तौर पर फॉरगॉट कर चुका होता है। पॉड मीन तेंदुआ, अ लार्ज कैट, एक बड़ा कैट होता है, बिल्ली होता है, सच इज लीफर्ड, जैसा कि लीफर्ड ओल्ड फैशन इंग्लिश है। पार्ट मीन किरदार, हियर अ करेक्टर एंड अ प्ले आर ड्रामा। पाइप्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मौसीकी वाला आला, दैट मेक्स अ हाई साउंड, जो कि बहुत हाई आवाज़ पैदा करता है। पाउच टीली, अ स्मॉल बैग, छोटी बैग फॉर कैरिंग मनी, पैसे ले जाने के लिए। प्यूकिंग उल्टे करना, बींग सेक बीमार होना, वोमिटिंग उल्टे करना। राउंड बिल्ली, गोल पेट, बिल्ली मीन स्टॉमिक, मैदे को बिल्ली के लिए। सो अराउंड बिल्ली एज अ लार्ज, लार्ज बड़ी, आर फैट मैन स्टॉमिक, आदमी की फैट चर्बी वाले स्टॉमिक मैदे को कहते हैं। सॉन्स बगैर, विदाउट, सेशल ये फ्रेंच लफ्ज़ है, सॉन्स विदाउट इसका माना है। सेशल टेला बस्ते को कहते हैं। अ शोल्डर बैग, कंधों वाला बैग, डेट चिल्ड्रन समटाइम्स यूज टू कैरी बुक्स टू स्कूल, जो कि किताबें ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सेचल सेकंड चाइल्ड डिशनेस, दूसरा बचकानापन, बींग लाइक अ चाइल्ड अगेन, बच्चे की तरह दोबारा होना। मॉडर्न इशू समसंड अबाउट सेकंड चाइल्डहुड, सीकिंग द बबल, बुलबुल के साख की तलाश में। अ बबल इज एम्प्टी, बबल बुलबुला खाली होता है। सो बाई सीकिंग द बबल रिपोटेशन, तो बबल बुलबुल की साख को तलाश करने का मतलब है। शेक्सपियर मीन दैट, शेक्सपियर का मतलब दैट द मैन डज थिंग्स, कि आदमी ऐसी चीज ही करता है, दैट मेक हिम लुक गुड, कि उसके अच्छा दिखाई दे। इवन इफ दे आर पॉइंट, यहाँ तक कि वो इसका कोई पॉइंट हो, कोई पॉइंटलेस हो। श्रंग शेंक सुकर पंडल को कहते हैं, पंडली को कहते हैं। टू श्रिंक मीन टू ग्रो स्मॉलर, टू श्रिंक का मतलब है टू ग्रो, बढ़ना, स्मॉलर छोटा होना। इन अ श्रिंक, शेंक इज अ पीस ऑफ मीट, और शेंक क्या होता है, पीस ऑफ मीट, गोश्त का टुकड़ा, कट फ्रॉम अ लेग ऑफ एनिमल, जो कि एक जानवर की लेग पंडली सी काटी जाती है। सो द मैन लेग्स हैव ग्रोन नैरोअर विद एज, आदमी के पाँव पंडली ये नैरो हो जाते हैं उम्र के साथ, तंग हो जाते हैं। साइंग आह बरना, हियर साइंग विद सेक्सुअल प्लेजर। सडन एंड क्विक एंड क्वारल का मतलब है, सडन मीन तेज़ होना, एंड क्विक जल्द होना, एंड क्वारल झगड़े में, झगड़े में बहुत ज़्यादा जल्द होता है और तेज़ होता है बूढ़ा आदमी। क्वारल इज अ स्लाइटली ओल्ड फैशन वर्ड फॉर आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन अपने बयान देना, सडन अचानक, अनप्रडिक्टेबल, जिसकी तवक्को ना हो। सो एन आर्गूमेंट दिस यंग मैन माइट सडनली एंड बिकम वायलेंट, अचानक और तुंदी के साथ झगड़ा करता है। टाइम वक्त के, हियर अ लाइफ ऑफ आर लाइफ टाइम। ट्रेबल तगना, तीन गुना। अ ट्रेबल इज द हायर पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक। सो शेक्सपियर इज रेफरिंग टू बॉयज हाई वॉइस, ट्रेबल का मतलब है हाई वॉइस, बॉयज हाई वॉइस को ट्रेबल यहाँ पर इसका मतलब है। टर्निंग अगेन टूअर्ड, दोबारा किस चीज़ की तरफ मुड़ना। बिकमिंग अगेन, दोबारा बन जाना। वेल सेफ्ट, केप्ट केयरफुली, अच्छी तरह से बचाया गया हो। वॉइस साज, सुनहरे अफवाल। वॉइस सेंग्स और फ्रेजेज, ओल्ड फैशन इंग्लिश। वो फुल अफसोसनाक, अनहैप्पी, सैड कहते हैं। वोकैबुलरी और ग्रामर में है, फॉलोइंग वर्ड, नीचे अल्फाज हैव बीन टेकन फ्रॉम द अबव फ्रॉम सर्कल द वर्ल्ड दैट क्लोजली मैचेस द रिलेवेंट वर्ड। मीनिंग का मतलब है ओ करना, तो इसका क्राइंग, क्राइंग रोना। सेचल बस्ते को कहते हैं बैग फॉर बुक्स। वो बुल सेट अफसोसनाक, पॉट तीन वॉ लीपर, केपन फेट चिकन मुर्गा। सा अखवाल सेंग्स, इंस्टेंसेस जजमेंट्स, पेंटालून पेंट। शेंग पंडी को कहते हैं लेग्स। ट्रेबल हाई पिच साउंड। अब्लिवियन फॉरगेटफुलनेस। सांस विदाउट। कंप्लीट विद द सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में एफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है और फिर वुड का इस्तेमाल होता है और इसके साथ वर फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ वी वर इन लाहौर टुडे वी वुड बी एबल टू गो टू द कंसर्ट इन शालीमार बाग। इफ आई हैड मिलियन डॉलर्स आई वुड गिव अ लॉट टू चैरिटी। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ माय सिस्टर हैड अ डिग्री शी वुड लव वर्किंग ऑन एनिमल कंजर्वेशन। My parents would not drive if public transport was reliable. If I were you, I would not ride a motorcycle. If they told their father, he would be very angry. She would spend a year in the USA if it was easier to get a green card. We would help you if we knew you, if we knew how. If I felt better, I could go to the cinema with you. If you went by bike more often, you would not be so flabby. She would not call you if she did not want
टेंस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के चार अकसाम हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंसेस की कितने अकसाम हैं? चार अकसाम हैं। सिंपल सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, मॉडिफायर भी होता है। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस मॉडिफायर। शी रोट, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय द टीम, दे स्टडीड फॉर मेनी आवर्स। तो ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, कितनी? दो। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या सेमीकोलन होगा। फैन बॉयज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज, फैन इसमें एफ है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड, एंड यहाँ पर एंड है। ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, सेमीकोलन है। देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पर एक है। ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर सेमीकोलन है, देन का इस्तेमाल है, और फिर ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा, और इसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज इफ हु विच ये इस्तेमाल होंगे। तो अगर एक सेंटेंस डिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट होता है, डिपेंडेंट क्लास से, तो इसकी बात काम होगा। अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस अगर ये इंडिपेंडेंट क्लास से शुरू होता है तो वहाँ पर कामा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ऑल दो शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, तो यहाँ पर कामा है, क्योंकि ऑल दो यहाँ पर ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लास है, तो इसके बाद कामा लग गया है। यूजिंग सम कम्प्लेक्स सेंटेंसेज इन राइटिंग अलाउज फॉर मोर सेंटेंस वैरायटी। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? एटलीस्ट कम अज कम टू इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगे और वन डिपेंडेंट क्लास होगा। टू इंडिपेंडेंट क्लास, वन डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर मिसाल दी गई, शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, इवन दो शी फिनिश्ड हर मेथड कोर्स लास्ट ईयर। ये दूसरा इंडिपेंडेंट, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर, इवन दो, तो ये डिपेंडेंट क्लास है और बाकी जो थे वो इंडिपेंडेंट क्लासेज थे। Whether the following sentences are simple, complex or compound, ये सेंटेंस देखने हैं। We met rather few people who spoke English, तो यहाँ पर who spoke English, who, यहाँ पर who का इस्तेमाल है, तो ये सबॉर्डिनेट, ये who है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर who आया। I have been on rather too many planes and trains recently, simple sentence है। We drove right up to Karachi in 2 days, simple है। I don't care how expensive it is, तो यहाँ पर ये complex है, how expensive it is, यहाँ पर क्या है, how का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर ये complex है। 2 minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake, compound है, यहाँ पर but है, coordinate conjunction है। He is not tall enough to be a soldier, simple है। I guess she just doesn't respect you, just, यहाँ पर just का इस्तेमाल, तो ये complex है। I have got 4 sisters and each of them is quite different from the others, compound है, क्योंकि यहाँ पर and का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ एक दूसरे independent class को एक दूसरे से जुड़ा गया। I have got 4 sisters, each of them is quite different from each other. You can either come with me now or walk home, compound है, or का इस्तेमाल है, fanboys. He will never leave home because he hasn't got the courage to, complex है। When all else fails, ये complex है, when का इस्तेमाल है। It was Saeed who paid for the drinks, complex है। It was Saeed who का इस्तेमाल है। We have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock, complex है, when का इस्तेमाल है। Asad likes Salman's friend and he also likes his cousin, and का इस्तेमाल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये compound है। The big brown dog ran after the blue and red bell, simple है, यहाँ पर एंड का इस्तेमाल है, लेकिन ये nouns को एक दूसरे से जुदा करे, यहाँ पर क्लॉजेज नहीं है, noun को जुदा कर दिया है। ज़करिया एंड ईसा खान रोड देयर बाईसाइकिल आफ्टर दे एट लंच, आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर है, तो ये कम्प्लेक्स है।
द टीचर एंड द प्रिंसिपल मेट इन द बॉल द हॉल नियर द लाइब्रेरी सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर एंड का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नाउन को मिला रहे हैं, टीचर और प्रिंसिपल को, सेंटेंसेस को नहीं मिला रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को नहीं मिला, इस वजह से ये एक सेंटेंस है। मैनी ब्रेव सोल्जर्स फाउंड इन द वॉर एंड दे रिसीव मेडल कंपाउंड है एंड का इस्तेमाल है। द ड्रामर प्लेड अ लॉन्ग टाइम बट द पियानो प्लेयर्स स्टॉप इट अर्ली कंपाउंड है। बिफोर द क्वीन रोड एंड द पेरेड शी गेव अ स्पीच कम्प्लेक्स है। बिफोर का इस्तेमाल है, बिफोर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। आफ्टर मिड नाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक सिंपल है। शी ड्रॉप द पेन एंड द प्लेट बट शी हेल्ड ऑन टू द स्पून कंपाउंड कम सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर बट का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।